अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग बेहतरीन होंगे। दिस इज योर बॉय उमर और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त अंसर रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एज यू नो दैट आई एम अंसर एंड टुडे वी आर हियर एट अलीस पिज़्ज़ा एंड बर्गर एंड इंशाल्लाह वी विल मीट लेटर। सबसे पहले ये जो है दूसरा बर्गर वाले जो बर्न है उसके ऊपर उन्होंने पिज्ज़ा से रेडी किया हुआ, मतलब जिसे आप कह लें कि पिज़्ज़ा बर्न जो है उसके नीचे वो जो है चिकन का एक वो पीस है जिसे आप कह लेते हैं चिकन पीस या चिकन पीस से नीचे है। अच्छा, बेसिकली ये जो है जिसे आप कहते हैं चिकन बर्गर उसके अंदर जो शामिल होता है, उसके अलावा उसके नीचे ब्रेड का पीस है, देन उसके अंदर चिकन का पीस है, देन जो है नीचे वो जो है बर्गर आ गया हमारा। तो डाल दे इसके ऊपर चिली है, ये जैसा कि हम देख सकते हैं इस टाइम तो सबसे बड़ी जंग ये है कि इसको खाना कैसे है, बाकी सब बातें बाद यार। बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ही खाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो सॉसेज है ना बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नरम हो चुका है काफ़ी। बेसिकली मैंने एक जो है ऑनलाइन से, मुझे उनका नाम तो नहीं याद ना ही रेस्टोरेंट का नाम जहन में आ रहा है, लेकिन उनका जो बात थी वो मेरे जहन में है कि वो बर्गर ही नहीं है जो खाते हो आपके हाथ मुँह गंदा ना हो उसकी सॉसेज से। तो ये मुझे फिर उसके अकॉर्डिंग तो बर्गर ही लग रहा है, बाकी खा के देखते हैं इसके अंदर उसकी क्वालिटीज वगैरह या जो कुछ भी है। लेट्स सी यार, बड़ा ही कंफ्यूजन सा है ये कि क्या सीन करने के इस तरह से शुरू किया जाए समझ से बाहर है। तो चले कोई नहीं, अब आपने जज नहीं करना क्योंकि जैसे वो आपके वैसे खा रहे हैं वो भी पता नहीं कैसे करके खाना, ये भी नहीं पता। पूरे उठा लिए, चले यार पूरे उठाए आपकी वजह से। हो हो हो, मैं कहता हूँ केचप के बगैर ही इस तरह पहले ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। सीरियसली बिलीव कर रहे हैं मैंने बर्गर तो उठा लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो शुरू करते हैं बस। यार ये सॉसेस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, वो ऐसे जो वो टेस्ट मतलब बता ही नहीं पा रहा पहली बाइट पे कि किस तरह का टेस्ट आ रही है। सॉसेज थोड़ी सी ना वो स्पाइसी टाइप है, मसालेदार कह सकते हैं आप लोग, नॉट डेट टू मच कि आपको प्यास वगैरह पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े, लेकिन बेसिकली इतनी थिक नहीं है लेकिन डिफरेंट फ्लेवर है। लेकिन जो बंद है ना इसका वो काफ़ी स्मूथ हो चुका हुआ है और मतलब जहाँ जहाँ से आप प्रेस कर रहे हैं ना वहीं पे वो मतलब कि बंद अपनी जान में नहीं है बेसिकली, ये है। तो इधर से एक बाइट लेते हैं, इधर चिकन है थोड़ा सा। यार अभी तक तो कोई स्पेसिफिक फ्लेवर आया नहीं क्योंकि अभी तक सॉसेस ही नहीं आ रही है। सॉसेस के अलावा और के अलावा कोई आप जज ही नहीं कर पा रहे इसके ऊपर। जो चिकन है वो एज इट इज जो यूजुअल हम लोग भाई किसी भी दुकान से लेते हैं वही है, पिज़्ज़ा भी सेम ही है। फिर सॉसेस का जो टेस्ट है ना, सिर्फ सॉसेस का अपना टेस्ट दे रही हैं ये लोग, लेकिन आई थिंक जितने पैसे हम लोग ले रहे हैं ठीक है, इतने पैसों में ईजी सीन है। राउंड अबाउट हमें 600 के पास पास पड़ा ही है। और थैंक्स टू अंसर के अंसर साहब हमें रात को इतनी देख के आए हैं, तो चलते हैं और खाते जाते हैं देखते हैं क्या बनता है। एंटोनियो हमारे फेसेस के हालात आप देख सकते हैं, हम बार बार टिश्यू से साफ नहीं कर सकते इसलिए एक ही दफा पे साफ करेंगे। यार अगर ये खाने आओ ना तो हमें शर्म आना नहीं है क्योंकि हाथ और मुंह आपके बहुत गंदे होने वाले हैं। आई हैव दैट एक्सपीरियंस बिफोर 10-11 नाउंजे बर्गर मार्केट में, तो जब उनका जो चीज़ वाला जो है ना बर्गर पिज़्ज़ा बर्गर उसमें भी यही सीन है कि आपको अपना ना हाथ और मुंह पूरा गंदा करना पड़ता है खाने के लिए, लेकिन उसके सिर्फ पैसे सिर्फ वो चीज़ के ही हैं, मज़ा आता है।
यार मुझे तो ये अपने हालात देखे, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा मैं खाऊं तो खाऊं कैसे, अभी तक कोई पकड़ में नहीं आ रहा मेरी। और यार मेरा तो हो गया बस के मेरा पेट फूल हो गया इतने में। आंसर को देखते कब तक ही खाता है बंसर, मैं तो हार गया हूँ, बंसर की बारी है। अब बेसिकली मैं हिम्मत हार चुका हूँ बात सुनी गई यार, हम लोगों ने खा लिया और अब हम लोग आपको फाइनल रिव्यूज प्रोवाइड करेंगे। पहले आंसर से फाइनल रिव्यू लेते हैं, तो बताइए आंसर। बेसिकली बात ये है कि ये बर्गर उन सब के लिए है कि जो बहुत फूडी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ये पूरा खा सकते हैं। बाकी बर्गर प्राइस के लिहाज से बहुत बेस्ट था, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड जो है दूसरा, बाकी आप मुंबई से पूछते हैं एंड मेरा विषय ये है कि आप लाजमी का टेस्ट करें इसे, और देन आप हमारे चैनल पे कमेंट करें कि आपको ये बर्गर खाने में कैसा लगा, और जो कुछ हमने बताया और हमने कहा क्या वो सच था या नहीं। यार मेरे फाइनल रिव्यूज देते हैं तो ऐसे ही ठीक था, प्राइस वाइज भी और क्वांटिटी वाइज जैसे इंसान ने बताया बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रख के आइएगा कि नो डिसिप्लिन, ठीक है। खाना खाते हैं ये बर्गर इस तरह है कि इसमें आप लोग अगर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल भी आप नहीं खा सकते, इसका आपको वो मज़ा नहीं आएगा। प्लस इसकी जो सॉसेज थी वो सिर्फ स्टार्टिंग पर ही आई हैं, और उसके बाद मतलब साइड स्टार्टिंग में कह दें कि साइड डिश पर गिर चुकी थी, और जब बीच वाला हिस्सा था ना उसके ऊपर सॉसेज नहीं आ रही थी, बहुत कम हो गई थी। तो आई थिंक इनको सॉसेज जो है इक्वली डिवाइड करनी चाहिए पूरे बर्गर पे, और बाकी ये बर्गर अच्छा था, बेस्ट था, प्राइस वाइज बेस्ट था, ठीक है। अगर आप किसी भी टाइप से जगेंगे किसी के साथ में खाने में तो आप खा नहीं पाएंगे, आपके पैसे जाया जाएंगे। हाँ लेकिन टेस्ट है मज़े के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और तब हम मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। होपफुली अगर आंसर हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पे आ जाए। वैसे हमारा जो प्लान है वो ओबान होटल का बन रहे वहाँ पे बुफेट करने का, तो अगर आप लोगों की कोई ऐसी चीज जगह है जहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू करें तो आप हमें काइंडली बता दें, हम लोग वो जगह भी ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।